एक और अहम खबर, ख्वाजा बरादरान की एहतसाब अदालत में पेशी। अदालत जाने वाले रास्तों को कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया है। रास्ते बंद होने से शहरियों को परेशानी का सामना है। ख्वाजा बरादरान को आज एहतसाब अदालत पेश किया जाएगा। कल उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी नैब की जानिब से। आज उनको एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि इस मौके पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं, कहीं पर खारदार तारें भी लगाई गई हैं। इसी वजह से शहरियों को खारी और परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। एहतसाब अदालत में आज ख्वाजा बरादरान की पेशी है, जिस मौका पर ख्वाजा बरादरान की पेशी के हवाले से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। नुमान नूर चौधरी से अपडेट्स लेंगे। नुमान, कौन कौन से रास्ते बंद हैं और ट्रैफिक इंतजामिया जो है इस हवाले से कुछ कर पाई, कहीं को रास्ते खुले हैं? जी बिल्कुल, जो है ख्वाजा बरादरान की आज एहतसाब अदालत में पेशी है। गुज़श्ता रोज उनको गिरफ्तार किया गया था और आज तकरीबन जो है वो 9:30 बजे उनको एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा और इसी हवाले से इंतजामिया की जानब से तमाम तर इंतजाम किए गए और इसी इंतजाम की मद में जो है जितने भी एहतसाब अदालत की तरफ आने वाले रस्ते हैं उनको कंटेनर्स लगाकर और खारदार तारे लगाकर बंद किया गया है और इन रस्तों को गवर्नमेंट एमयू कॉलेज से जो है वो एक बंद किया गया है। वहाँ पर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात है और किसी को भी जो है एहतसाब अदालत की तरफ आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और इसके अलावा दूसरी जानब सेक्रेटेरिएट चौक जो है वहाँ से एहतसाब अदालत की तरफ आने वाले रस्तों को बंद किया गया है। सिर्फ और सिर्फ वुकला को जो है वो इजाज़त दी जा रही है कि एहतसाब अदालत की तरफ आएँ, बाकी किसी को भी एहतसाब अदालत की तरफ आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। एंटी राइड फोर्स, इसके अलावा एलीट फोर्स और लाहौर पुलिस के नौजवान जो हैं वो तमाम तर रस्तों पर तैनात हैं और मुख्तलिफ लेयर्स बनाकर वो जो है तमाम पुलिस अफसरान और अहलकार जो हैं वहाँ पर खड़े हुए हैं ताकि तमाम तर जो नाखुशगवार वाकयात हैं उनसे निपटा जा सके। जी।